ओके, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 70। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 70 के अंदर आपको क्या गिवन है, टू सर्कुलर लूप्स पी एंड क्यू आर प्लेस विद देयर प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर, ये आमने सामने पड़े हुए हैं। अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू पी, करंट इज फ्लोइंग थ्रू पी, तो करंट पी के अंदर मूव कर रहा है। इफ दिस करंट इज इंक्रीज्ड तो उस केस में क्या होगा, देखो सेम रूल है, यहां सोलेनोइड पड़ा होता, करंट इंक्रीज होता तो सामने वाली लूप हमेशा बाहर दूर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सिस पे बी इंक्रीज होगा, ये नहीं चाहेगा इसका बी इंक्रीज हो, तो ऐसे केस में नॉर्मली क्वेश्चन में यही आंसर होता है कि दूर ही जाएगा, तो ऑब्वियसली सेपरेशन डिक्रीज होगा इसमें, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके अंदर बेसिकली इसको हमने कैसे घुमाया, ये कह रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। EMF will not be induced in the coil. इसमें EMF कब नहीं इंड्यूज होगी, if coil is rotated about an axis perpendicular to the plane of the coil. ये axis है, इसके अबाउट अगर आप इसे घुमाओगे तो जितना फ्लक्स पहले था उतना ही फ्लक्स बाद में होगा, तो hardly matters कैसे मर्जी घुमा लो। हाँ, जनरेटर की तरह घुमाओगे इसको अंदर बाहर, फिर फ्लक्स चेंज होगा, पर इस तरीके से फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इसमें कोई EMF इंड्यूज नहीं होगी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, और करना क्या है इसके अंदर आपको, देखो अ रेक्टेंगुलर कॉयल, ये रेक्टेंगुलर कॉयल है। अब देखो ये ऐसे मूव नहीं कर रहा, ये इस तरीके से मूव कर रहा है कि इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो वो कह रहा है कि एरिया ए है, रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इफ इनिशियली द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अगर प्लेन ऑफ द कॉइल ऐसे है और फील्ड कैसे है, ऐसे है, तो अगर ये प्लेन ऑफ द कॉइल कुछ इस तरीके से है, ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, तो एरिया वेक्टर कैसा है, ऐसे है, तो बी और ए में शुरू में एंगल कितना है, जीरो। फिर उसने कहा कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब वर्ड एवरेज आ जाता है तो इसका मतलब कि टोटल चेंज इन फ्लक्स बाय टोटल टाइम होगा, ठीक, तो इंस्टेंटेनियस नहीं है, एवरेज है। द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन इट हैज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, तो एक रोटेशन टी टाइम में होती है, 90 डिग्री का मतलब टी बाय 4 टाइम में होगी, राइट, तो 90 डिग्री का मतलब टी बाय 4 टाइम में होगी। तो इस केस में आपको एवरेज अगर ईएमएफ निकालनी है तो फ्लक्स टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, जब वो शुरू में कैसा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था और प्लेन ऑफ द कॉइल भी ऐसा ही था, तो बी और ए में एंगल जीरो था, पर जब वो 90 डिग्री ऐसे हो गया, घूम गया, अब एरिया वेक्टर ऐसे हो गया और बी वेक्टर अभी भी ऐसे ही है, तो एंगल अब फाइनल कितना हो गया, 90, बी और ए में 90, तो फ्लक्स क्या हो गया, फाइनल जीरो। तो ये ठीक लिखा है, फाइनल फ्लक्स जीरो, इनिशियल फ्लक्स क्या था, बी ए कॉस जीरो, सिर्फ बी इंटू ए, तो ये चेंज इन फ्लक्स आ गया। डी फाई लगाना चाहिए था यहाँ पे, चलो एक ही बात है, डी फाई आ गया यहाँ पे। तो टाइम मैंने बताया इसमें क्या होगा, टी बाय 4, और ओमेगा की फॉर्म में टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ से एवरेज ईएमएफ क्या होती है, माइनस डी फाई बाय डी टी, डी फाई कितना है, माइनस बी ए, माइनस साइन कैंसल, और डी टी की जगह पाई बाय 2 ओमेगा, तो यहाँ से एवरेज ईएमएफ आ जाएगी। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में साफ दिख रहा है कि फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो सबसे पहले आपको इसमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालनी है। कब? एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फ्लक्स पता है तो ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया,
ईएमएफ आ गई। और टाइम 2 सेकंड पे अगर निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, 31 मिली वोल्ट आ जाएगा, ठीक है आता, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन के अंदर आपको इसमें क्या बताना है, आप ये देखो कि इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है फ्लक्स, टाइम पुट करोगे तो बढ़ेगा, बी अंदर की तरफ बढ़ेगा तो ये लूप नहीं जाएगा, तो लूप अपना भी बाहर कर लेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है ये, ठीक, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो रूल समझ में आ रहा है कैसे चेक करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये गिवन है कि द वायर लूप कंसिस्ट ऑफ दिस टू पार्ट्स, ये क्वेश्चन में गिवन है, और इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, एंड इंक्रीजेज विद टाइम, तो बढ़ रहा है, बड़े ध्यान से पढ़ना है ये मैं का क्वेश्चन, छुपी होती हैं बातें, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और जैसे इसमें लिखा हुआ है प्लेन ऑफ द पेपर है, एंड इंक्रीजिंग विद टाइम, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इंड्यूस करंट करेक्टली, तो याद रखना बीच वाली वायर में नहीं जनरेट होता, क्यों, अगर आप इसको दो हिस्से लेते भी हैं तो इसमें अगर बी बोर्ड के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो ये नहीं चाहेगा कॉइल इंक्रीज हो, तो ये अपना बी बाहर रखेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, इस बात पक्की है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, और अगर लूप के दो हिस्से लेते हो तो इस तरीके से और इस तरीके से, एंड दे विल कैंसल ईच अदर, तो अल्टीमेटली जो करंट है वो सिर्फ बाहर बाहर ही जाएगा, अंदर करंट नहीं जाएगा, तो ये आंसर है इसका, ठीक है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 में एक मैग्नेट को एक लूप की तरफ लेके आ रहे हो और इसके एक्सिस के ऊपर, तो आपको इसमें ये बताना है कि M जो है इसमें द प्लेन R इज परपेंडिकुलर, सब चलो पता ही है, तो ये और ये आपस में ऑब्वियसली रिपेल करेंगे, क्यों, क्योंकि मैग्नेट जब पास आएगी तो ये नहीं जाएगा पास हो, तो रिपल्शन ही आंसर हो सकता है, अट्रैक्शन तो हो नहीं सकता, तो आंसर सीधा इसका ये ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, ये हमने क्लास में फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये तो बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि जो चार्ज होता है किसी भी वायर में जो पास होता है इज ऑलवेज गिवन बाय डेल्टा फाई बाय आर, ये तो सीधा फॉर्मूला याद रखना है आपने, तो शायद मैंने इसकी शीट भी दी थी आपको इसकी शायद कुछ बना के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ एरिया ए, तो सर्कुलर रिंग है जिसका एरिया ए है, held perpendicular to the uniform magnetic field B, small cut is made in the ring and galvanometer is connected across the end such that total resistance of the circuit is R, एक ring है, cut लगा दिया, when ring is suddenly squeezed to zero area, the charge flowing through the galvanometer is equal to what, देखो इसमें करना कुछ नहीं है, फिर से एक बात, जब आप उसको squeeze कर रहे हो तो आप इसका area change कर रहे हो, तो एकदम zero कर दिया आपने area, तो पहले area क्या था A, अब zero, तो change in area A minus zero, तो B तो same है, तो इससे चेंज इन फ्लक्स क्या आ गया, B इंटू ए माइनस जीरो डिवाइडेड बाई आर, तो ये चार्ज फ्लो हो जाएगा, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है इसे। क्वेश्चन नंबर 9th में, 9th में आपको इसमें B गिवन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इन साइड द प्लेन ऑफ द पेपर, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड इज डिक्रीजिंग, देखो मैंने बोला बहुत ध्यान से पढ़ना, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, तो मैग्नीट्यूड इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज, कम हो रहा है, करंट विल फ्लो फ्रॉम, देखो इसको आप ऐसे अज्यूम करो कि करंट इस तरीके से होता हुआ ऐसे उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, तो आप ये देखो कि अगर ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कि अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और सपोज ये मान लो ऐसा लूप होता, मान लो एक मिनट के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें बोर्ड के अंदर डिक्रीज हो रहा होता, तो ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है तो ये नहीं चाहेगा डिक्रीज हो, तो करंट कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो करंट इसमें कैसे आएगा, ऐसे आएगा, राइट, ए टू बी, अच्छा डिक्रीज हो रहा है, ओके, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो ओके, तो आपका बी अंदर जाएगा तो इसमें क्लॉकवाइज आएगा, राइट, तो इसमें जो है क्लॉकवाइज आएगा इस तरीके से, राइट, ये रहा।
अब जब इसमें क्लॉकवाइज आएगा तो आप एक काम करो, अपने हाथ से इस वायर को थोड़ा इस तरफ इस तरीके से करो कि ये डायग्राम ऐसा बन जाए, थोड़ा सा इसको पुश करके इसकी शेप चेंज करो। इसमें थोड़ा करंट चेंज हो जाएगा ए से लेके बी तक, इसको टच ही नहीं किया, तो यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ मार्क कर लो ऑप्शन, तो ए से लेके बी तक जाएगा और यहाँ डी से लेके सी तक आएगा, तो डायग्राम बन गया। एक ही बात है, इसमें इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा शेप चेंज किया है इसका। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बार क्वेश्चन ये शीट में आएगा, इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है एक वायर में से, एक इलेक्ट्रॉन है प्लीज, करंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इसमें से यहाँ से पास करता हुआ चला गया, तो जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो फ्लक्स को इंक्रीज करता हुआ आ रहा है और जब जा रहा है तो वो डिक्रीज करता हुआ जा रहा है, तो ऑब्वियसली करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, पहले फ्लक्स बढ़ेगा फिर फ्लक्स कम होगा, तो करंट एक बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज और फिर अपने डायरेक्शन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, राइट। तो इसका आंसर होगा